हेलो स्टूडेंट्स आई नीरज शर्मा वर्किंग इन सूरज स्कूल बावर एंड स्टूडेंट्स वी वर डिस्कसिंग क्लास इलेवंथ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट हुज नेम इज सेट्स एंड स्टूडेंट्स अप टू क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सो फ्रॉम टूडे क्वेश्चन नंबर फोर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फोर वी आर गोइंग टू डिस्कस सो स्टूडेंट्स आई हैव रिटर्न क्वेश्चन नंबर फोर लेट ए बी एंड सी बी एनी थ्री सेट्स प्रूव दैट सो फर्स्ट पार्ट इज ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश अब स्टूडेंट्स एक बात समझिए जैसे ऐसे लिखा है मान लो सेट ए तो वो वही सेट नहीं है ए माइनस बी बी जो बनेगा वो भी एक सेट बनेगा ए इंटरसेक्शन बी डैश जो बनेगा वो भी एक सेट बनेगा सो स्टूडेंट्स दो सेट को इक्वल करने का तरीका मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है क्या होता था टू प्रूव दिस टू प्रूव दिस वी नीड टू प्रूव वी नीड टू प्रूव अब दो चीज़ें हमें प्रूव करनी होती है एक बार तो लेफ्ट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड और एक बार राइट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड सो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने क्या किया एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी मैंने एक एलिमेंट मान लिया जो ए माइनस बी से बिलोंग करता है इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स ए माइनस बी एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी बोलो यही मीनिंग होता था डिफरेंस ऑफ सेट्स में मैंने समझाया तुम्हें हाँ जी सर अब क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ एट्स बिलोंग्स टू ए एंड एट्स बिलोंग्स टू बी डैश बोलो बिल्कुल लिखा जा सकता है और ये एंड किसके केस में काम तो में आता है इंटरसेक्शन के केस में ओके स्टूडेंट्स तो अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एट्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैस चेक कर लो अभी तक सारे स्टेप समझ में आए होंगे अब स्टूडेंट्स मैंने माना था कि कोई एक्स एलिमेंट है जो ए माइनस बी से बिलोंग कर रहा है अब वो एक्स कुछ भी हो सकता है और मैं उस एक्ट्स को कहाँ से बिलोंग करवा दिया मैंने उस X को ए इंटरसेक्शन बी डैस से तो मैं क्या कहूँगा दे आर फोर ए माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैस बोलो स्टूडेंट्स ये बात समझ में आई या नहीं आई बिल्कुल आई होगी तो मेरा एट पार्ट खत्म हो गया जिसमें मैंने क्या प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड अब मुझे जस्ट इसका अपोजिट काम करना है मींस अब मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए माइनस बी तो स्टूडेंट स्टूडेंट्स जो मैंने अभी यहाँ से शुरू किया था कि मैंने ए माइनस बी का एक एलिमेंट माना था ठीक है एक्स और उसको मैंने इसमें शोटर दिया था तो अब मैं इसमें एक एलिमेंट मानूंगा x और इसमें मुझे शोट करना पड़ेगा सो so, मैं सबसे पहले कहां से शुरुआत करूंगा x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b डैश इसमें तो कोई भी अच्छा इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स इसका मैथमेटिकल मीनिंग ये होता है x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन का मतलब एंड x बिलोंग्स टू b डैस बड़ा सिंपल है चलिए आगे चलते हैं अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी स्टूडेंट्स ये बात पता होनी चाहिए जैसे एक्स बिलोंग्स टू ए है तो इसको ये भी लिखा जा सकता है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश भाई जब ए से बिलोंग कर रहा है तो ए डैश से नहीं करेगा इसी तरह बी डैश से बिलोंग कर रहा है तो बी से नहीं करेगा तो ये दोनों बातें इक्वल होती हैं ओके okay. अब इस वाली बात को ये तुम्हें ध्यान से देखो ये माइनस की डेफिनेशन बन रही तो इसको क्या लिखा जा सकता है एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी अब मैंने देखो क्वेश्चन कैसे किया ये वाला जो पार्ट है मैंने एक एक्स कोई एलिमेंट था जो ए इंटरसेक्शन बी डैस सेट से बिलोंग करता था और मैं सोल्व करता रहा और एक्स की वैल्यू मैंने बिलोंग करवा दी एक्स एलिमेंट को बिलोंग करवा दिया ए माइनस बी सेट से सो so, स्टूडेंट्स अब एक्स कोई फिक्स थोड़ी है। मैंने तो कोई एलिमेंट लिया था तो एक्स कुछ भी हो सकता है उस सेट के अंदर का तो वो किससे बिलोंग कर रहे हैं ए माइनस बी से मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैस का हर एलिमेंट ए माइनस बी से बिलोंग कर रहा है। देयर फोर मैं कह सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए माइनस बी इस तरीके से और स्टूडेंट्स ये जब दोनों रिजल्ट आ रहे हैं मेरे पास जो मुझे एट सेट इक्वल टू दूसरे सेट के जब इक्वल करना होता है तो यही तरीका होता है लेफ्ट हैंड साइड इज ए सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज ए सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों केस लेते आओ और इसको क्या बोल देंगे अब हम इक्वेशन नंबर टू और अब कुछ ज़्यादा नहीं करना होता बस ऐसे लिखना होता है बाय इक्वेशन वन एंड टू वन एंड टू से हम क्या लिख पाएंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर फोर के सभी सिक्स पार्ट्स करने हैं तो डिस्कस करते हैं उनको अब स्टूडेंट्स ये सेकेंड पार्ट लिखा है मैंने तुम्हारे सामने फोर्थ क्वेश्चन का इसको तो और डिस्कस करते हैं अब स्टूडेंट्स देखिए वापस से ए माइनस बी एट सेट है बी डैश माइनस ए डैश एट सेट है दोनों रो इक्वल करना है इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में सेट लिखा है उसको एक बार सो करना पड़ेगा सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड में सेट लिखा हुआ है उसको प्रूव करना पड़ेगा सब सेट ऑफ साइड तब हम बोल पाएंगे वाई इक्वेशन वन एंड टू दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड ओके स्टूडेंट्स तो ध्यान से सुनेंगे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ एक एक्स मैंने एक एलिमेंट मान लिया जो कि लेफ्ट हैंड साइड से ए माइनस बी से बिलोंग करता है अच्छा स्टूडेंट्स इस बात का कि कोई एलिमेंट है ए माइनस बी से जो बिलोंग कर रहा है इस बात का मैथमेटिकल मीनिंग किस तरीके से लिखा जाता है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है चलिए अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज़ और बता देता हूँ जैसे मान लो मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और मैंने इसका मतलब ये निकाला कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी बिल्कुल सही मतलब है अब कोई बच्चा सोच रहा है सर मैं ऐसे ना लिख के इस बात को ऐसे लिख दूँ x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू ए तो क्या मीनिंग अलग है या सेम है यार बिल्कुल सेम है इसमें तो कोई बात ही नहीं है जैसे यूनियन में x बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बिखूँ या ऐसे लिखूँ x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए ए की बात होती है तो स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं अब मैं इसको तो ऐसे लिख सकता हूँ देखो मैं इसको क्या लिखने जा रहा हूँ अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ x डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैस भाई एट्स जब ए से भी लोन कर रहा है तो ए डैश से लोन नहीं कर रहा होगा सिंपल सी बात है अच्छा सर आप डैश वाली बात पर क्यों जा रहे हो क्योंकि मुझे देखो तो जिसका ए माइनस बी का एलिमेंट मैंने माना और मुझे तीसरा एलिमेंट बनाना है बी डैश माइनस ए डैस का तो मुझे यहाँ पे ये ए और बी हटा के क्या लेके आने वाले है? हैं डैश लेके आने पड़ेंगे तो एंड और अब यहाँ पे बी डैश लाना है तो क्या करना पड़ेगा एट्स बिलोंग्स टू बी डैश क्लियर है स्टूडेंट्स चलिए मैं नेक्स्ट लाइन में ये लिखने जा रहा हूँ एट्स बिलोंग्स टू बी डैश एंड एट्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैस स्टूडेंट्स ये तो तुम्हें क्लियर है ये किसकी डेफिनेशन बन रही देखो जैसे ऐसे लिखा होता था एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी तो ये किसकी डेफिनेशन होती थी बोलो एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी जिससे बिलोंग नहीं करता ये वाला डज नॉट बिलोंग्स टू तो वाला माइनस में आ जाता है तो यहाँ पर बताओ क्या हुआ है यहाँ पर हुआ है एक्स बिलोंग्स टू बी डैस माइनस ए डैस इस तरीके से अच्छा स्टूडेंट्स इस वाले स्टेप से ये वाला स्टेप बस मैंने इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा और कोई चेंज नहीं किया अब देखो मैंने क्या माना था कि एट्स एक्ट एलिमेंट है जो ए माइनस बी से बिलोंग करता है और मेरे पास आ क्या गया कि वो बी डैश माइनस ए डैश से भी बिलोंग करता है इस बात का सीधा सा मतलब ये निकलता है मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ बी डैश माइनस ए डैश बोलो स्टूडेंट्स इस वाली बात में कोई भी प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए इक्वेशन नंबर वन होने के साथ साथ मैं बोल सकता हूं कि हमारे क्वेश्चन का पा, हाफ पार्ट सॉल्व भी हो गया अब जैसे मैंने इस टाइप एलिमेंट मानते हुए उसको इसमें शो इसमें दिखा दिया उस एलिमेंट को इसका मतलब दिस इस इज द सबसेट ऑफ दिस सेट और अब जस्ट मुझे इसका अपोजिट काम करना है तो मुझे जो अब एलिमेंट मानना है वो किस में मानना पड़ेगा राइट हैंड साइड में तो मैं शुरू करता हूँ देखो एक्स बिलोंग्स टू बी डैस माइनस ए डैस अब मुझे वापिस एक बात बताओ सबसे पहले इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है इसका मैथमेटिकल मीनिंग होता है देखो एक्स बिलोंग्स टू बी डैश एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश यही होता है स्टूडेंट सिस्टम मैथेमेटिकल मीनिंग चलिए अब आगे चलिए अब मुझे इसको में लेके आना है ए माइनस बी बनाना है देखो ध्यान से तो ए माइनस बी बनाना है तो मुझे ये डैश तो हटाने पड़ेंगे स्टूडेंट्स चलिए तो डैश कैसे हटाता हूँ इसको तो कर दूँ डज नॉट बिलोंग्स टू बी और इसको क्या करूँ बिलोंग्स टू ए अब वही वाली कहानी है उसको पहले लिख लेता हूँ एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी को बाद में लिख लेता हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इस वाली बात को क्या लिखा जा सकता है एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी देखो एक्स कोई एलिमेंट था मुझे नहीं पता क्या था उस सेट का कोई भी एलिमेंट हो सकता है वो बी डैश माइनस ए डैश में मैंने माना और मैं उसको सोल्व करते करते ए माइनस बी में ले आया तो स्टूडेंट्स यहाँ से ज़्यादा कुछ तो नहीं लेकिन ये बोला जा सकता है कि बी डैस माइनस ए डैस इज ए सबसेट ऑफ इज ए सबसेट ऑफ ए माइनस बी और इसी इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे इक्वेशन नंबर टू स्टूडेंट जो दो कंडीशन होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दोनों फिलफुल हो चुकी हैं फुलफिल हो चुकी हैं तो इसके बाद हम क्या करेंगे बाई इक्वेसन वन एंड टू बस अपना दिमाग नहीं लगाना जो भी था उसको एज इट इज लिट दो जो भी प्रूव करना था ए माइनस बी इज इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैस इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट करना है आप चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ सो स्टूडेंट्स अब ये थर्ड पार्ट है तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर फोर का जिसमें क्या प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन सेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटर बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी अगर किसी ने वो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाए थे वो याद किए होंगे तो उसे पता भी होना चाहिए कि ये सेवंथ रिजल्ट था सेवन्थ रिजल्ट का फर्स्ट पार्ट एट इंटरसेक्शन था एक यूनियन का जो कि इसका फोर्थ पार्ट है सो स्टूडेंट्स अब इनका डेरिवेशन भी देख लेते हैं कि किस तरीके से होते हैं सो so स्टूडेंट्स हम सबसे पहले वही अब ये भी एक सेट ये इस साइट को इस्ट इक्वल करना है तो इसको एक बार इस्टा सबसेट और एक बार इस सेट को इस्टा सबसेट बनाना पड़ेगा सो so, मैंने सबसे पहले एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी लिखा अब स्टूडेंट्स एक बात समझिए इस इंटरसेक्शन का मतलब क्या है या तो इससे बिलोंग करता है एंड देखो एंड आता है इंटरसेक्शन में तो मैं लिखने जा रहा हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस सी बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब आगे चलते हैं आगे क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए अब पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं एंड एंड के बाद क्या आएगा उधर उधर आएगा x बिलोंग्स टू बी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सी स्टूडेंट्स ये चीज तो बिल्कुल क्लियर होगी कुछ भी नहीं किया मैंने सिर्फ बी माइनस सी की डेफिनेशन लिखी है ओके अच्छा अब उसके बाद तुम्हें ये एंड तुम्हें पता है दोनों के पास जाएगा ये मल्टीप्लीकेशन होगा ना तो एंड कहाँ जाएगा दोनों के पास जाएगा तो ये एट्स बिलोंग्स टू ए एंड एट्स बिलोंग्स टू बी हो जाएगा जब इस पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो होगा ये और दूसरी में क्या बनेगा अच्छा दोनों जगह रहा है एंड ही तो बीच में भी एंड आना है और इन दोनों के बीच में भी एंड डी आना है तो ये बन जाएगा एट्स बिलोंग्स टू ए एंड एट्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी इस तरीके का कुछ बनेगा अब आगे चलते हैं अब ये बात तो सभी को पता है कि इसको क्या लिखा जा सकता है x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी ये तो ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन लिखी हुई है साफ साफ x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी ये क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी होता है और students, and. अब देखिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये किसकी डेफिनेशन लिखी हुई है ए माइनस सी की डेफिनेशन लिखी हुई है ध्यान से देखने में पता भी चल रहा होगा अब स्टूडेंट्स मैं एक चीज़ समझाता हूँ तुम्हें जैसे मैंने ऐसे लिखा एक्स बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी और मैंने ऐसे लिखा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी माइनस ए स्टूडेंट्स ये दोनों ए की बात होती है अगर विश्वास नहीं हो तो कोई भी एग्जाम्पल उठा के कैलकुलेट कर लेना यार ए माइनस सी में क्या आएगा ए माइनस सी में वो आएगा ए के सारे एलिमेंट आएंगे उनमें सी वाले एलिमेंट हटा देंगे और इसमें क्या हो रहा है सी वाले एलिमेंट में से ए का एलिमेंट हटा देंगे तो जस्ट अपोजिट है या नहीं है इसलिए तो स्टूडेंट्स इस वाली बात को क्या लिखा जा सकता है इस वाली बात को लिखा जा सकता है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू X डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी अच्छा मैंने ऐसा क्यों लिखा X डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी अब ध्यान से समझना जैसे X बिलोंग्स टू ए एंड X बिलोंग्स टू बी लिखा होता है तो हम इसको बोल देते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन B बी लेकिन अगर अब इन दोनों में से एट पर भी नोट हुआ जैसे यहाँ भी हुआ या यहाँ भी हुआ एट पे भी हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी सपोज अगर इस तरीके से लिखा है तो बी ए मीनिंग सही है और अगर ये इस तरीके से लिखा होता तो बी ए मीनिंग सही था इस वजह से हमने क्या बोला एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखो यहां पे तो आया एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इससे और इससे आया डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी और बीच में है एंड ये किसकी डेफिनेशन बन रही जैसे ऐसे लिखा होता है कहीं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड डज नॉट बिलोंग्स टू बी तो एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी होता या नहीं होता तो बस उसी तरह ये क्या हो जाएगा एच बिलोंग्स टू ए माइनस बी ये इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी और स्टूडेंट्स ध्यान से देख सकते हो जब मैं यहाँ से शुरू हुआ एट्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी से और मैं यहाँ तक पहुँचा तो मैं क्या बोल सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन इस तरीके से सो so, इसको हम क्या बोल देंगे हमारी इक्वेशन नंबर वन बोल देंगे और स्टूडेंट्स ये अभी हाँ तक हाफ़ पार्ट सॉल्व हुआ है हमारे इस क्वेश्चन का हाफ़ पार्ट कहूँ या मैं कह सकता हूँ फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है अब इससे एक एलिमेंट उठाएंगे और उसको इसमें से उठेंगे और फिर क्या बोल लेंगे कि ये भी एक सबसेट है तो देखो सिंपल है एट्स बिलोंग्स टू किससे करवाना है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू अच्छा स्टूडेंट्स ये पूरा ऐसे है ये एट सेट है कम्प्लीट तो अब समझने वाली बात ये है कि इसका मीनिंग तो होता है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस का मतलब क्या होता है देखिए इससे बिलोंग करना चाहिए इससे बिलोंग नहीं करना चाहिए तो पहले मैं इसको थोड़ा और अच्छा सा मीनिंग लिखता हूँ इसका उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना ज्यादा सही रहेगा एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी ये वाली बात तो सबको समझ में आई होगी चलिए अब इसका क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स इसका मीनिंग होता है एट्स बिलोंग्स टू एंड एट्स बिलोंग्स टू बी यहाँ पर तो ये मीनिंग हुआ एंड यहाँ पर क्या मीनिंग हो जाएगा एट्स बिलोंग्स टू ए एंड एट्स डज नॉट बिलोंग्स टू है तो इसको तो क्या लिख पाएंगे हम देखिए अब मैं एक बात समझाई थी मैंने अभी अभी तुम्हें कि एक्स बिलोंग्स टू ए होता है एंड एक्स बिलोंग्स टू बी होता है तो इसको तो हम सिंपली लिख देते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और इन इस केस में अगर दोनों में से एक में भी डज नॉट बिलोंग्स टू आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू हो रखा है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी एट पे डज नॉट बिलोंग्स टू था इन दोनों में से तो मैं क्या लिख सकता हूँ जैसे एट्स बिलोंग्स टू ए एंड एट्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी ए पे भी लड़ा सकते थे सी पे भी लड़ा सकते थे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अब स्टूडेंट्स क्या हुआ हमारे पास एट्स बिलोंग्स टू ए तो आ गया कॉमन देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है मैंने एक्चुअल में ए पे डज़ नॉट बिलोंग्स टू इसीलिए नहीं लड़ाया ताकि मैं एक्स बिलोंग्स टू ए दोनों में आ रहा है इसको कॉमन ले पाऊँ तो एक्स बिलोंग्स टू ए आ गया कॉमन और क्या बचा हमारे पास बचेगा x बिलोंग्स टू बी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सी अब स्टूडेंट्स इसको क्या बोला जा सकता है एक बार समझने की कोशिश करिए यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ x बिलोंग्स टू ए और यहाँ पे क्या बोला है मैंने x बिलोंग्स टू बी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सी और क्या स्टूडेंट्स एक चीज़ और यहाँ पे मेरा बीच में जो एंड आना था वो रह गया है तो मैं उसको लिख देता हूँ एंड क्या लिखना है एट्स बिलोंग्स टू बी एंड एट्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी ओके अब साफ साफ पता चल रहा है कि ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है एट्स बिलोंग्स टू ए एंड अब स्टूडेंट्स एट्स बिलोंग्स टू बी एंड एट्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी ये किसकी डेफिनेशन है एट्स बिलोंग्स टू बी माइनस सी और अब इस वाली बात को मर्ज करके भी लिखा जा सकता है देखिए ध्यान से ये हमारे पास एक तरीके से बी माइनस सी जो बना है इधर आओ ये क्या चाहिए था हमें ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी और एंड का मतलब हम क्या निकालते हैं एंड का मतलब इंटरसेक्शन से ही होता है तो सिंपली बोला जा सकता है एट्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी और स्टूडेंट्स यही क्या है हमारा देखिए हमने राइट हैंड साइड से एक सेट एट एलिमेंट था एट्स जिसको बिलोंग करवाया था और उसको हम किस में ले आए लेफ्ट हैंड साइड में तो हम बोल सकते हैं राइट हैंड साइड इज ए सबसेट ऑफ साइड दैट इज ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी सो इसको इक्वेशन नंबर टू बोल देंगे स्टूडेंट्स और अब हम कह सकते हैं बाय इक्वेशन नंबर वन एंड टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी अब स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट जो है वो तुम्हें खुद ट्राई करना है क्योंकि जो थर्ड पार्ट था उसमें इंटरसेक्शन था फोर्थ पार्ट में सिर्फ यूनियन है इतना ही डिफरेंस है अब उसी तरह फिफ्थ और सिक्स पार्ट भी बिल्कुल सेम है तो जब मैंने इंटरसेक्शन का कराया अब मैं यूनियन का करा देता हूँ सिक्स पार्ट बिल्कुल सेम है इंटरसेक्शन का वो तुम्हें खुद करना है काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं देखिए इस क्वेश्चन को विशेषकर ये क्वेश्चन को ज़्यादा ईजी है स्टूडेंट्स अब ए यूनियन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस सी यूनियन माइनस इसको मैं कह भी सकता हूं कि माइनस को तो डिस्ट्रीब्यूट किया है ओवर यूनियन तो ध्यान से समझेंगे मैंने सबसे पहले कैसे शुरुआत की एक्स बिलोंग्स टू सर और कुछ तो पता नहीं शुरुआत तो टन आ रही चलो ये भी अच्छी बात है ये यूनियन बी माइनस सी इससे मैंने एक एलिमेंट मान लिया अब स्टूडेंट्स इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या निकल के आता है अब तुम लिखना सीख गए होगे गए एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी बोलो ये वाली बात तो क्लियर है चलिए उसके बाद अब हम इसको क्या लिख सकते हैं एट्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी इस वाली बात का ये मीनिंग होता है एंड एट्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी अब स्टूडेंट्स इसको चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और तुम्हें पता भी होना चाहिए कि आएगा एट्स बिलोंग्स टू ए एंड एट्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी बीच में आएगा और एट्स बिलोंग्स टू बी एंड एट्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी अब एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी इसका मतलब क्या है एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी और इसका क्या मतलब है एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस सी सो स्टूडेंट्स ये बीच में और है और को किससे रिप्लेस किया जा सकता है यूनियन से तो ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी और स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड से एक एलिमेंट उठाया था क्या उस एलिमेंट को किससे बिलोंग करवा दिया राइट हैंड साइड से देयरफॉर मैं कह सकता हूँ ए यूनियन बी माइनस सी इज ए सबसेट ऑफ ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी और इसी को हम क्या बोल देंगे हमारी इक्वेशन नंबर वन बोल देंगे बड़ा आसान सा पार्ट था ये तो बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा अब जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड शो किया उसी तरह हमें राइट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और शो करना होता है तभी हम बोल पाते हैं बाई इक्वेशन वन एंड टू बोथ सेट्स आर इक्वल सो स्टूडेंट्स ऑफ पार्ट के लिए x बिलोंग्स से माइनस सी यूनियन b माइनस सी अब इसको कंटिन्यू करते हैं इसका मीनिंग क्या निकलेगा इसका मीनिंग निकलेगा x बिलोंग्स टू a माइनस सी और x बिलोंग्स टू b माइनस सी यही तो मतलब होता है यूनियन का या तो इससे या इससे या का मतलब ओ आर और।, और तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं अब इसका क्या मीनिंग है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी यहां पर देखिए तुम सोच रहे हो सर एंड तो इंटरसेक्शन में आता है हाँ अगर ए इंटरसेक्शन सी होता है तो ऐसे होता है एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस में और इंटरसेक्शन में क्या डिफरेंस होता है क्लियरली समझ में आ रहा होगा चलिए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है दोनों में यहाँ पे कॉमन आ रहा है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी तो ये क्या बना x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B और मैंने कॉमन ले लिया x डज नॉट बिलोंग्स टू C और मल्टीप्लाई भी करके देख लो एंड दोनों से रह जाएगा बीच में क्या रह जाएगा हमारा और रह जाएगा सो so, इसको सिंपली क्या बोला जा सकता है x बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C अब देखो पूरी इस डेफिनेशन को समझो x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B ये तो A माइनस बी थी है तो मैं क्या बोल सकता हूँ एट्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस सी ओके स्टूडेंट्स और, और देखिए राइट हैंड साइड से एक एलिमेंट बिलोंग करता था जो कि लेफ्ट हैंड साइड में भी है तो हम क्या बोल सकते हैं ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस सी और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर टू और अब लिखना है बस एटी लाइन बाय इक्वेशन वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो सिक्स पार्ट तुम खुद ट्राई करना जिसमें यहाँ यूनियन थी जगह सिर्फ क्या है इंटरसेक्शन है ओके okay, स्टूडेंट्स अब दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर अब क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं अब ये क्वेश्चन नंबर फाइव है स्टूडेंट्स जिसमें ठहरा है प्रूव दैट इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी देन ए इज ए सबसेट ऑफ सी ये हमें प्रूव करना है ए इज ए सबसेट ऑफ सी तो so स्टूडेंट्स ये बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है देखिए ध्यान से सुनिए हमें तो ये जीवन है ए इज ए सबसेट ऑफ बी इसका क्या मतलब है इट इम्प्लाइज अदर कोई भी एक्स जो ए से बिलोंग करता है तो वो बी से भी बिलोंग करेगा ओके स्टूडेंट्स चलिए अब बी इज ए सबसेट ऑफ सी बी इज ए सबसेट ऑफ सी तो इसका मतलब क्या है कोई भी एलिमेंट है जो बी से बिलोंग करता है वो सी से भी बिलोंग करेगा अब हमें इन दोनों इक्वेशन से क्या ये मिल गया कि जो ए से बिलोंग करता है वो बी से तो बिलोंग करता ही है और जो बी से बिलोंग करता है वो सी से बिलोंग करता है तो अगर मैं इसको तो इक्वेशन नंबर वन बोल लूँ और इसको तो इक्वेशन नंबर टू बोल लूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एट्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट एट्स बिलोंग्स टू सी कैसे भाई देखो जो ए में है वो बी में तो है ही और जो बी में है वो तो बी में तो है ही बी में जो है वो सी में भी है तो जो ए में था वो ऑब्वियस बात है सी में हो गया तो बाई क्वेश्चन देयर फोर ए इज ए का एलिमेंट सी में होने लग गए अब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो सारे एलिमेंट सी में हैं। देयर फोर द डिजायर्ड रिजल्ट कैन बी प्रूव क्वेश्चन नंबर सिक्स से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स जिसमें क्या कह रहा है कि ए एंड बी बी टू सेट्स प्रूव दैट अब स्टूडेंट्स मैंने दो पार्ट लिखे हैं जैसे इसमें फोर पार्ट्स हैं टोटल जैसे ये फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है अब स्टूडेंट्स ए माइनस बीटा का मीनिंग तुम समझते हो ए माइनस बीटा का मीनिंग होता है एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इट एम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी ये मीनिंग होता है ए माइनस का अच्छा कोई सोच रहा हो सर ये तो ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग भी होता है नहीं ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग नहीं होता ये ए इंटरसेक्शन बी डैश का मीनिंग होगा क्यों क्योंकि जब इंटरसेक्शन होता है तो एट्स बिलोंग्स टू ए एंड बिलोंग्स टू होना चाहिए नॉट बिलोंग्स टू में माइनस आता है तो इसको बिलोंग्स टू बनाने के लिए हमने क्या किया एट्स बिलोंग्स टू ए एंड एट्स बिलोंग्स टू बी डैस अब इसको इंटरसेक्शन में चेंज करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी डैश आएगा ओके स्टूडेंट्स तो अब यहाँ से जो समझने वाली बात थी वो ये थी ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश भी लिखा जा सकता है क्लियर है याद भी रख सकते हो आइडेंटिटी की तरह ए माइनस बी होता है ए इंटरसेक्शन बी ओके सो मैंने ए माइनस बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट की ए इंटरसेक्शन बी डैश ओके स्टूडेंट्स अब ये यूनियन बी जो बाहर लिखा हुआ है दोनों से मल्टीप्लाई होगा यूनियन बी इसी को तो क्या बोलते हैं यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन बीच में क्या आएगा इंटरसेक्शन एंड बी डैश यूनियन बी और स्टूडेंट्स ये तो सबको पता है कि ए डैश यूनियन ए ये यूनिवर्सल सेट बन जाता है तो जैसे बी डैश तो बी डैश में कौन से आ रहे हैं जो बी में नहीं थे और बी वाले यहां पे दोनों का यूनियन चाहे इसमें हो चाहे इसमें सारे आ रहे हैं ना तो इसको क्या बोला जाता है यूनियन तो ये बना ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू सो स्टूडेंट्स अब बताओ अगर हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं यूनिवर्सल सेट के साथ तो कौन से एलिमेंट्स कॉमन होंगे ये छोटा है यही वाले कॉमन होंगे तो ये इक्वल हो गया ए यूनियन बी के थोड़ा सा फील करनी थी है चीज़ों को और कुछ भी नहीं बड़े इजी इजी हैं तो स्टूडेंट्स बोलो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी हमने उसको सोल्व किया और वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं प्रूव बस इतना सा ही क्वेश्चन था ये इजी क्वेश्चन चलिए एक बार इस सेकेंड पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं जस्ट इसका है। उल्टा है तो देखिए ए माइनस बी अभी देखिए यहाँ पे ए माइनस बी की वैल्यू बताई थी कितनी होती है ए इंटरसेक्शन बी डैस इंटरसेक्शन बी अब इसको किस पर लेके आना है फाइव के एक लेके आना है अच्छा अब ये दोनों जगह इंटरसेक्शन ही है तो तुम्हें पता है कि एसोसिएटिव होते हैं इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है पहले इसको सोल्व करूँ या इन दोनों का इंटरसेक्शन सोल्व करूँ एक ही बात होती है अब B डैश इंटरसेक्शन B देखिए जो B डैश में है वो B में नहीं हो सकता और जो B में है वो B डैश में नहीं हो सकता तो दोनों में कॉमन क्या होगा कुछ भी नहीं होगा A इंटरसेक्शन फाइव और फाइव के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन फाइव होता है विच इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड तो यहाँ भी लिख पाएंगे हैं प्रो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को करना है दो पार्ट और बचे हैं इसके दैट इज़ पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर उनको डिस्कस करते हैं सो so स्टूडेंट्स अभी ये क्वेश्चन नंबर सिक्स के थर्ड और फोर्थ पार्ट और लिखे है मैंने जिसमें क्या कह रहा है ए माइनस बी इंटर सेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटर बी डैस ये प्रूव करना है तो अभी अभी समझाया ए माइनस बी की वैल्यू क्या होती है ए इंटरसेक्शन सेक्शन बी डैस इंटर सेक्शन एके अब स्टूडेंट्स ए के साथ इंटरसेक्शन सेक्शन बी डैस का करना है तो चाहे एक बार करो दो बार करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इसको सिंपली क्या लिखा जा सकता है ए इंटरसेक्शन सेक्शन बी डैस और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड इससे आसान क्वेश्चन तुम्हें तो बुक में देखने को तो नहीं मिलेगा क्लियर है स्टूडेंट्स चलिए फोर्थ पार्ट और डिस्कस करते हैं फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए इफ एंड ओन लिफ्ट अब यहाँ पे इफ एंड ओनलीफ्ट का मतलब यही है कि भाई इससे ये प्रूव कर दो और इससे ये प्रूव कर दो ओके okay, दोनों पार्ट करने में तो मैं फर्स्ट पार्ट प्रूव करने जा रहा हूँ अब स्टूडेंट्स बड़े आसान है ये देखो जैसे ए माइनस बी की वैल्यू रखनी है मैं कहूँ बेसिकली चारों क्वेश्चन चारों पार्ट में तो रखी तो इस तरीके का बन गया अब यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी अब तुम्हें पता है कि भाई ये तो क्या बन जाएगा तुम्हारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा तो यू लिख दिया मैंने बीच में इंटरसेक्शन है और ए यूनियन बी तो मैं अब इसको बोल सकता हूँ अच्छा ये किसके इक्वल जीवन है ये जीवन है ए के इक्वल ये जीवन है इसलिए हम लेके चल रहे हैं इसको अब यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेने का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि ये छोटे वाला है यही आ जाएगा तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए अब स्टूडेंट्स इन दोनों का यूनियन लिया और ए ही आ गया मतलब एक भी एलिमेंट बी का नहीं आया बी का सिर्फ वही एलिमेंट आया जो ए के अंदर भी है तो इस बात का क्या मतलब है बी इज ए सबसेट ऑफ ए ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट अब सेकेंड पार्ट में क्या करना है अब एक तरीके से हमें डी हो जाएगा जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया मतलब बी इज ए सबसेट ऑफ ए ये तो हमारे पास हो गया डी

वो ये हो रहा तो मैं इसको लिख सकता हूं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू और इसको क्या लिखा जा सकता है ए यूनियन बी अब स्टूडेंट्स जो समझने वाली बात है कि अगर बी जो सबसेट है ए का मतलब बी के अंदर जो भी आ रहा है वो सारे एलिमेंट देखो बी जो सबसेट बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं तो ही बात है इन दोनों का यूनियन किस टेक्वल आएगा ए इक्वल आएगा तो हमने ये मानते हुए ये भी प्रूव किया फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में बी इज ए सबसेट ऑफ है अच्छा यहाँ पे इसको ए यूनियन बी को ए ट्यू लिख पाए क्योंकि बी इज ए सबसेट ऑफ है तो इसका यूज करते हुए हमने ये भी प्रूव कर दिया तो इस तरीके से पार्ट फोर भी प्रूव हो गया सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम कह सकते हैं हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऑल फोर पार्ट्स कंप्लीट कर कल कंटिन्यू करते हैं थैंक यू स्टूडेंट्स